नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। इन्वेस्टर के बीच हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि राजू, वन टाइम पैसा लगा दिया जाए या फिर SIP किया जाए, तो उसका मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 9 लाख रुपया है और उसको आप वन टाइम पहले लगा के छोड़ देते हैं 15 साल के लिए, और मात्र 12% का रिटर्न अगर पोर्टफोलियो डिलीवर करे तो 9 लाख का वैल्यू 15 साल के बाद होता है 49,26,209 रुपया। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि क्या SIP करूँ कि वन टाइम करूँ। अब हम SIP में देखते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ 5 साल के लिए किया और 12% के रेट से, तो 5 साल में हम टोटल जमा कर दिए 9 लाख रुपया। जो हम SIP और वन टाइम का हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, एक कंडीशन में हमने 9 लाख रुपया वन टाइम जमा कर दिया और 15 साल के लिए छोड़ दिया, 49 लाख रुपया बन गया। दूसरे कंडीशन में हम 15,000 का SIP कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो 9 लाख रुपया हमने जमा कर दिया और 12% का ही रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 12,37,995 रुपया बन रहा है। अब इस पैसे को 10 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टर छोड़ दें, 9 लाख रुपया पूरा हमारा कंज्यूम हो गया। अब इस पैसे को हम 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर कैलकुलेशन देखते हैं कि 9 लाख रुपया जो 15,000 पर मंथ के दर से हमने 5 साल इन्वेस्ट किया और 12% के रेट से मेरा पैसा बन गया 12,37,295 रुपया। अब इस पैसे को 10 साल के लिए छोड़ दिया और मात्र 12% का रिटर्न ही डिलीवर करे, एवरेज रिटर्न हमने 12% कैलकुलेट किया है, तो पैसा बनता है 38,42,850 रुपया। ये तो हुआ SIP का बात। लेकिन वन टाइम में जो हमने इन्वेस्ट किया था 9 लाख रुपया 15 साल के लिए, 12% के रेट से पैसा बना 49,26,209 रुपया। तो एक जगह तो बन रहा है 38 लाख रुपया और एक जगह बन रहा है 49 लाख रुपया, तो ये डिफरेंस कैसे हुआ? इस डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिए कि 9 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए और 12% का रिटर्न अगर सालाना में देखूं उसका ब्याज, तो 1,08,000 रुपया होता है। सिर्फ एक साल का ब्याज होता है 1,08,000 रुपया, जबकि इस ब्याज पे जो ब्याज फिर अगले साल मिलने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या, ब्याज पे ब्याज, तो उस 1,08,000 रुपये ब्याज हमें मिलने जा रहा है 12,000 रुपया। जबकि SIP के केस में आपने 15,000 रुपया पर मंथ जमा किया तो टोटल एक साल में जमा किया 1,80,000, उसका 12% कितना मिला आपको, 21,600 रुपया। अब इस 21,000 पे जो ब्याज मिलेगा आने वाले साल में, उसका 12% बनता है 2,592 रुपया। तो एक जगह जो आपको एक साल में 1,00,000 का ब्याज मिल रहा है और दूसरे स्थिति में एक साल का ब्याज बन रहा है 21,600 रुपया, जबकि उस ब्याज का ब्याज होता है 12,000 रुपया वन टाइम में और दूसरे कंडीशन में ब्याज का ब्याज 2,592 रुपया बन रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट कंपाउंडिंग होके ये डिफरेंस ला रहा है कि एक जगह SIP में आपने 38 लाख रुपया बनाया और दूसरे जगह 49 लाख रुपया बनाया। तो हमेशा ये कहा जाता है मार्केट में, यदि आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए, और नहीं पैसा है तो SIP में इन्वेस्ट कीजिए। जाहिर सा बात है, जिनके पास पैसा है ही नहीं, हर मंथ पैसा आता है सैलरी के रूप में, तो आप 15,000, 20,000, 50,000 का SIP ही कर सकते हैं। आपके पास वन टाइम पैसा पड़ा हुआ है तो वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको फ्यूचर में दिखेगा लंबे समय में। और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4-5 ऑफिसर मिलके आप अपने ऑफिस में हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। आप अपने मंथली मीट वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।